सकती है, जाके सिमी के लिए इनसे कुछ बनाएंगे, घोड़ा बनवाएंगे, घोड़ा पिड्डा ये चीज बनाते थे ना, ऊंट बनाती है मामा, है घोड़ा बनाती है, बनाती है, और एक झुंझुना भी शायद बना देगी, तो कई चीजें उसके लिए चार पांच चाहिए, देखते हैं आज ट्रायल है, फिर और ले जाएंगे, अभी तो बहुत सारे हैं ये तो ना, तो आज ट्रायल करते हैं, फिर देखते हैं, माइनस हो गई है इसी में बैठे, बहुत सारा सामान है, फिर जाके वो भी उतारना है, और आगे मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि मैं घर से क्या क्या लेके आई हूं, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो अगर आप मेरे को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये आ गया खैराना गांव, मेरा ससुराल, बोलो ससुराल, ये ससुराल लुक आ गया हमारा, और एंटर करने वाले हैं हम, थ्री टू एंड दिस इज ऑफिशियली वन, तो अभी मायरा को नहीं नहलाया था, मैं और सिमी तो ना के आए थे, मैंने आके चेंज कर लिया है, अभी मायरा को नहलाऊंगी, ये फिर अनपैकिंग, ये देखिए इतना सामान है बाहर, ये और है और यहाँ पे ये है, दोबारा से सारी अनपैकिंग करो, मायरी को नहलाना भी है, फिर उसके बाद करती हूँ अनपैकिंग, अभी जो मायरा के टॉवल वगैरह हैं वो ढूंढ के निकाले हैं, तो कपड़े और जो लोशन वगैरह है वो तो सब मैंने यहाँ, सो कपड़े और लोशन वगैरह यहाँ पे निकाल लिए हैं मैंने, अभी टॉवल वगैरह और ढूंढती हूँ किस बैग में है वो निकालने हैं, और यहाँ पे मेरा मायरी है, ठंडी लग जाएगी, चल जल्दी से नहा के आ जाते हैं, चल चल। सो ये है एक ब्लाउज, ये वेलवेट में है और ये वर्क है, सो ये ब्लाउज है एंड इसके साथ है ये येलो कलर का लहंगा एंड ये लुगड़ी, ये है इसके साथ लुगड़ी, इसमें काफ़ी हैवी है ये, तो ये जो मैं उठूँगी तब आपको दिखाऊँगी, एंड इसके साथ ये है एक गोल्डन कलर का ब्लाउज, गोल्डन कलर का ब्लाउज है ये, एंड उसके साथ है ये एक फ्रोजी कलर का लहंगा एंड ये लुगड़ी, तो ये दो तो ये हैं तील, ये दो तील हैं, एंड इसके साथ ये है एक मायरा की ड्रेस, ये एक मायरी की ड्रेस है, और इसमें एक मायरी की ड्रेस है, और एक ये है मायरी की ड्रेस, ये पूरी ड्रेस, सो दो ये मायरी की ड्रेस है एंड तीन ये सूट है, एक ये है इसमें प्रिंट के साथ वर्क है, दूसरा ये है एंड तीसरा ये है, तो तीन ये सूट हैं, प्लस में इसमें है समायरा की ड्रेस, सो ये है समायरा की ड्रेस, ये है समायरा की ड्रेस, साथ में ब्लैक कलर की जींस है एंड ये है, माजी ने ये बनाया एक ऊंट, घोड़ा है, ऊंट है, ऊंट है, ऊंट है, कुबड़ निकला है ना, हाँ, अच्छा। और साथ में ये है एक एरो, एरो है, सो ये तो दिखाओ, एरो, सो ये है एरो, एरो का टेल भी है एक, दिखाओ, देखो, हाँ एरो का टेल दिखाओ, एरो दिखा दो प्लीज, ये है एरो एंड दिखाओ आप ऊंट, दिखाओ, तो इसका डिजाइन माजी नहीं दिखाई, माजी को बड़ी जल्दी लगी रहती है, वो कॉपीराइट वाला मैटर है, आप सीख जाओगे, मैं आगे नहीं देना चाहती, तो ये है हमारा ऊंट और ये है एरो, कैसा बना है ये, बहुत सुंदर बना है, और आपने हाथ में क्या लगा रखा है, ये बैंड है, बैंड, बैंड है, और फ्रेंड्स आज मैंने मिट्टी से मटका बनाया, मटका कहाँ पे, उधर बना रखा है मिट्टी से, फ्रेंड्स आपने वो देखा है शॉर्ट्स में कि मिट्टी को ऐसे इकट्ठा करके पानी डाल देते हैं, वो मैंने बहुत मस्त बनाया, और ये क्या है सन आ रहा है ना, ज्यादा ब्राइट सन आ रहा है, इसलिए मैंने रख दिया, वो तो ड्राई हो जाएगा, वर्क ले लो उसमें से और जाके होमवर्क कर लो, ठीक है, बस इतना वो होता, कर दो, हेलो हेलो, सो जिमना हो गया, जिमना बहुत अच्छा था मेरी बेटी के टर्म्स में, वाओ हम तो जिमने में पनीर की सब्जी खाएंगे, वो आलू मटर की सब्जी थी, बट उसको लगता है सारे जिमन में पनीर की सब्जी होती, तो हम लोग जिमन में पनीर की सब्जी खाएंगे, बहुत अच्छी है, और लड्डू खाए हमने, लड्डू वर रियली वेरी टेस्टी, यस ऐसा देसी जिमन भी अच्छा होता है, लड्डू सब्जी पूरी रायता, अभी रात को शायद पनीर की सब्जी मिलेगी, है ना, तो रात को भी जिमन है और रात को इवनिंग में कुआ पूजन है, तो उसके लिए रेडी होना है, फिर जाएंगे कुआ पूजन के लिए, दिन का जिमाड़ा था और दिन में जिमे, अभी रात को भी जिमेंगे और कुआ पूजन के लिए भी जाएंगे, है ना, और मायरी और समायरा थोड़ा सा तबियत डाउन है, पर ठीक है, दवाई दे दी समायरा को भी और मायरी की भी दवाई चल रही है, तो लेट्स सी, इसको अच्छे से उड़ा के थोड़ा बाहर रख लेंगे, और मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर, जाऊंगी राकेश आधे रास्ते तक, फिर वापस आ जाऊंगी।
देखो यहाँ पे सनसेट हो रहा है, इधर सनसेट हो रहा है और यहाँ पे खेतों में चल रहे हैं फुहारे। यहाँ पे हमारी मायरी घूम रही है छत पे। हेलो मायरा, हाय हाय मायरी। तो ये है हमारी छत जहाँ से इधर के साइड पूरा गांव दिखता है। पीछे घर का होम टूर भी हमने शूट नहीं किया है। सो हाय हाय हाय। तो इधर है पूरा गांव एंड ये खाली खेत है। सो ये ब्लाउज है प्लस में सीक्वेंस का ही एक लहंगा है वो है, और ये लुगड़ी होती है ये सर के ऊपर से आती है, मतलब चुंदड़ी है ये, एक तरह से चुंदड़ी है। तो ये ऐसे सर के ऊपर से आती है। तो ये है गले का सेट बचा है पहनना, गले का सेट नहीं पहना है वो पहनना बचा है। हाथ में चूड़ी वगैरह है ही, थोड़ा बहुत लाइट मेकअप किया है वो है। एंड ये है हाँ 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 तो ये है मेरा लुक एंड डीजे बज रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय। तो सभी को देख के आया हूँ, रात को सोने दे दी और कितनी आया हूँ यार, कि मेरी बेटी बहुत पावरफुल है वो सारा पी गई। हाँ बैठ के पीती है, बैठ के पीती ये कैसे पी लेते हैं, मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग बच्चा है। देखो सभी बच्चों कितने आराम से दवाई लेती है मेरी बेबी, बहुत प्यार से पी लेती है। एक और दे दो सर, एक ही देते हो या दो देते हो? दो देते हो। ढक्कन छोटा है, चम्मच में क्यों नहीं दिया आपने, चम्मच में सही दी जाती है। ओह सॉरी सॉरी। हाँ आपको भी चाहिए क्या? बांट रहे पापा दवाई, बांट रहे। सिमी यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? अच्छा किसका? ये दवाई का। दवाई का नहीं, आज डीजे का, डांस का, जिमन का। बहुत अच्छा था, पर डीजे इतना चलता रहा, दिल इतना धक धक करने लग गया, साउंड ज्यादा था, कॉल पे बजने लगा, मतलब कोई भी सुन नहीं सकता जो भी बोलता। कितने गानों पे डांस किया आपने? बहुत सारे गानों पे डांस किया। आई विल गिव यू 10 रुपीस फॉर दिस, ठीक है? यू विल स्पेंड योर 10 रुपीस टुमारो, ओके? सो थैंक्स। देखिए मेरे हाथ। अच्छा आई विल गिव यू 10 रुपीस व्हेन यू टोल्ड मी कि आपने कितने गानों पे डांस किया। बताओ, काउंट करके बताओ जल्दी जल्दी। आपको बताओ? नहीं, ऑलमोस्ट 10 पे तो किया है कम से कम। ओके आई विल गिव यू 10 रुपीस टुमारो, ओके? सो फ्रेंड्स आपको दिख रही है मेरे हाथ में क्या है। इससे पुराने जमाने में ऐसे रबड़ बैंड बनाते थे, पहले रबड़ बैंड नहीं होता था, फिर इसको बालों में ऐसे लटका जुड़ा जुड़े में डालते थे। हाँ। और अभी इससे नाड़ा डालते हैं। हाँ। मम्मा ने इससे सलवार में अपनी भी नाड़ा डाला था। सो पापा जिमन का एक्सपीरियंस कैसा था? जिमन का एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा था। हाँ। बेटर था। गांव के इतने लोग मिले यार, ये मौका होता तो मिल पाते हैं। मिल गए? सॉरी यार मैंने आपको मैसेज किया, मैं जैसे कि आप समारा को नहीं ढूंढ रहे हो इसलिए मैसेज किया। नहीं नहीं समारा को मैं आप लोग बाय द वे ना फॉर योर इन्फॉर्म आप लोगों से 5 फीट पीछे पीछे ही आ रहा था। दादा जो घर में घुस गया था, नहीं है दुकान पास खड़ा था। कल चुनाव है ना तो आज तो सबसे इम्पोर्टेंट रात है। अच्छा अच्छा, तो स्ट्रेटेजी लोग कल वोट डालेंगे हम। जिनको मैं 30 ईयर्स से चाचा जी समझता था, आज बाबूजी ने बताया भाई वो तो भाई लगता है। वाओ वेरी एनलाइटनिंग। गांव के रिश्ते नाते होते हैं समझ में नहीं आते ना। ए मायरी ए छोटा छोटा, कहाँ जाना है? Where do you want to go? माजी से 10 मिनट नहीं रखा गया, मैं चेंज करके आई तब तक। माजी कह रहे हैं बहुत खेली, मतलब बहुत हंसी, बहुत। यस तो मैंने आके चेंज कर लिया है, हम जिम के आ गए हैं, खाना हो गया है, दूध रखा है किचन में, उसको रखूंगी फ्रिज में। एंड समायरा कर रही है यहाँ पे सोने की तैयारी, एंड मायरा को थोड़ा चेंज वेंज करना है उसके बाद चलाएंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड समायरा एंड मायरा को कमेंट कीजिए, और भूलना नहीं कि रेड बेल को ग्रे में कर दे रहे हैं। हाँ सो दैट जब हमारा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से देख पाएं। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय।